हे गाइस अस्सलाम वालेकुम फ़ाइनली फाइनली आई एम गोइंग टू रिव्यू यारम सो so, सबसे पहले हम यारम के जितने फैंस हैं उनके लिए उनसे आई एम रियली 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 सो 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 सॉरी कि मैं बहुत लेट रिव्यू कर रही हूँ एक्चुअली आई थिंक शायद दो साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी और रिव्यू किया भी था लेकिन वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की और बड़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन उसमें साउंड का कोई मसला हो गया अब उस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा हासिल था तो आई नेवर गॉट डाउन टू डूइंग इट लेकिन अब मैं बुक्स को बहुत रेगुलरली पढ़ रही हूँ और uh, रिव्यू कर रही हूँ और यू you नो know, um, तो फिर बहुत सी रिक्वेस्ट दोबारा आई यारम की बीच में भी आ रही थी और फिर मैंने भी सोचा कि यार ये मुझे करनी थी मैंने सोचा हुआ था नीयत तो थी मेरी तो लेट्स जस्ट फाइनली डू इट सो फाइनली फ़ाइनली मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ um, मैंने पढ़ी थी पहले और अच्छा ही हुआ तब मैंने वीडियो नहीं निकाली नहीं बना के अपलोड की क्योंकि उस वक्त जो मैंने यारम पढ़ी थी उसका इंप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट था और अब जब मैंने दोबारा यारम पढ़ी तो मेरा इंप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट था एंड डिफरेंट तो नहीं बट बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं शुक्र करी कि मैंने तब नहीं निका तब वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि शायद आम, शायद इट वॉज़ मेंट टू बी इन डन इन अ डिफरेंट वे और आम, ये वो पहली किताब है यूजुअली जब मैं किताबें पढ़ती हूँ तो जो मेरा इंप्रेशन होता है वो वैसा ही रहता है मैं चेंज नहीं होता लेकिन ये वो पहली किताब है जिसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था और जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मेरा इंप्रेशन काफ़ी चेंज हुआ बहुत डिफरेंट चीज़ें मैंने सोची हैरानी तौर पर अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या बात कर रही थी मैं भूल गई खैर सो आई एम गोइंग टू रिव्यू um, पहला पार्ट एक छोटा सा रिव्यू है विच इज़ कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी और आप सोच रहे हैं कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए मैं क्या रिकमेंड करूँगी वो वो इस बारे में है और सेकेंड पार्ट जो है वो मैं ज़रा सा डिटेल्ड जस्ट शेयरिंग फ्यू इंसिडेंट्स और ओवरऑल स्टोरी उसमें स्पॉयलर्स हैं सो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप सेकेंड पार्ट शायद स्किप करना चाहें और अगर आपने पढ़ी है तो आप सेकेंड पार्ट जरूर सुनना चाहिए ताकि आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकें कॉमेंट्स में तो ये किताब क्या है ये किताब है एक रोमानवी कहानी आलियान और अमराहा की अमराहा एक लड़की है जो लाहौर में रहती है और उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं वो बहुत एहसास कमतरी का भी शिकार रहती है लेकिन दादा उसके बड़े सपोर्टर हैं फाइनली कुछ ना कुछ करके वो लाहौर से निकल आती है और वो मैनचेस्टर पहुँच जाती है आलियान मैनचेस्टर में पढ़ रहा है ही इज़ द सन उसकी माँ नॉन मुस्लिम है और उसका बाप एक अरब होता है मुसलमान और वो अपनी अडॉप्टेड मदर मामा मेहर के पास रहता होता है आलियान और अमरा की मुलाकात होती है दे फॉल इन लव विद ईच अदर और फिर कहानी स्टार्ट होती है आगे क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी पहले पार्ट में um, तो ये तो एक समरी है शुड यू रीड इट यस आई थिंक आप पढ़ सकते हैं एक बार तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं um, इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी फ़ैन नहीं बन सकी मैंने एक दफ़ा पढ़ी मुझे अच्छी लगी पढ़ के बट ये वो किताब नहीं है जिसको मैं दोबारा उठाऊँगी जैसे मैं नमल को उठाऊँ या मैं हालिम को उठाऊँ तो मुझे अभी भी मज़ा आता है या मैं आब हयात उठाऊँ या मैं पिर कामिल उठाऊँ या मैं इवन हम हम सफ़र को भी करूँ तो मैं कर सकती हूँ लेकिन ये इस बुक ने क्योंकि उसकी कुछ हैं एक तो ये कि कहानी में आम, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है जो मुझे पसंद नहीं है और अननेसेसरी डिटेल्स मुझे लग रही थी कहानी का लिखने का अंदाज़ जो है वो बहुत डिफरेंट है बहुत उन्होंने उसको रोमांस डालने की कोशिश की है तो कहीं कहीं मुझे वो फ़ोर्स लगता है कहानी इट्स सेल्फ इंटरेस्टिंग है सिंपल है और वो बात करती है सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को लेके लोगों की नस्ल को लेके पीछे से आपके ख़ानदान को लेके और मज़हब को लेके उसके अलावा दो इंसान जो दुख में है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके ऊपर क्या रिएक्शन होता है एक दूसरे का इट्स अबाउट दैट कॉलेज लाइफ है फ्रेंडशिप के बारे में है तो आपको मज़ा आता है आप अगर यंग हैं तो डेफिनेटली यू विल एन्जॉय रीडिंग अबाउट टू यंग पीपल और आ, उनकी कॉलेज लाइफ उनकी कॉलेज की ज़िंदगी उस सब के बारे में आपको पढ़ के मज़ा आएगा नावल में मजाक भी है तो आपको हंसी भी आती है नावल में रोमांस भी है तो आप वो भी इंजॉय करते हैं नावल में दुख भी है तो कई मोमेंट्स हैं जब आपकी आंखों में हल्का सा आंसू भी आएगा ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड वन टाइम रीड आप एक दफ़ा तो उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं और या दैट्स ऑल आई थिंक ये छोटा सा रिव्यू है अगर आप सोचें उठाएँ या नहीं उठाएँ तो जाइए उठाइए और उसको इंजॉय कीजिए आप uh, आपको मज़ा आएगा अगर आप uh, उमेरा अहमद या निमरा अहमद के फ़ैन हैं और उनकी किताबें पढ़ते हैं तो मैं आपको पहले से वॉर्न करना चाहती हूँ कि वो फ़्लेवर शायद आपको नहीं मिले क्योंकि एज अ रीडर ऑफ बोथ ऑफ दोज राइटर्स मुझे लगता है कि मैं एक ख़ास किस्म के फ्लेवर की आदि हो गई हूँ ख़ास किस्म के कॉन्सेप्ट्स की आदि हो गई हूँ जब मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मुझे थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट होती है जो शायद पहली बार जब मैंने यारम पढ़ी थी तो मेरे साथ यही हुआ था आम, कहानी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप उसको रख नहीं सकें मैं मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं इस किताब को खोला है तो फिर बंद नहीं कर पा रही हूँ यू नो मैं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था तो अगर आप निमरा अहमद और उमैर अहमद के फ़ैन है तो थोड़ा सा अपनी एडजस्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करके पढ़िएगा बट कहानी इंटरेस्टिंग है आप पढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट होता है कि क्या होगा क्या होगा आगे आ, ये कहानी किस तरह जाएगी क्या हैप्पी एंडिंग होगी नहीं हैप्पी एंडिंग होगी अमराह का क्या होगा आलियान का क्या होगा सारे दोस्तों की जो फ्रेंडशिप है वो आपको इंटरेस्ट करती है और मज़ा जो होता है वो आपको मज़े का लगता है सो येस सो माई फाइनल इज दैट इट्स आई वुड गिव इट थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स और मैं बोलूँ कि आप एक दफ़ा ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं नाउ वी कम टू द डिटेल रिव्यू विथ स्पॉयलर्स तो अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो यू माइक वोन स्किप दिस पार्ट मुझे um, बुक इसलिए अच्छी लगी um, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो किताब में एक तो ये कि एंड ऑल्सो इफ यूर लुकिंग फॉर अर लव स्टोरी सॉरी पहले वाले की बात करी थी मैं मुझे कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि अगर आप एक नौजवान हैं नौजवानों को बाहर जाके पढ़ने का बहुत शौक़ होता है ये बुक आपको बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर देती है कि अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितने धक्के खाने पड़ते हैं कितने धोखे मिल सकते हैं जो अम्रहा के साथ होता है आ, दूसरी बात मुझे ये बात अच्छी लगी कि इसमें रिलीजस एस्पेक्ट को भी लेकर आया गया काफ़ी दफ़ा कि कैसे हम रिलीजन को प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन जब बात आती है कुछ बेसिक असूलों की कुछ हमारे बिलीव्स की तहमात की तो उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके से हम निकल नहीं पाते अमराहा अम की पूरी जो बैक हिस्ट्री दिखाई आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उसकी फैमिली उसके साथ कैसे उसको कैसे मनहूस समझती है हर जगह उसकी उसकी दिलाजारी करती है उसके माँ बाप को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा टॉक्सिसिटी पहले हाफ़ में पहले ट्वेंटी परसेंट में ज़्यादा है और मुश्किल हो रहा था मुझे हमले लाइक इतनी नेगेटिविटी इतना भी मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा था मे बी लोगों के साथ होता हो मुझे लग रहा था दादा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है दादा को आई लव इतने इतना अच्छा कैरेक्टर है दादा का दैट आपको पसंद आते हैं जब अमरा फाइनली मैनचेस्टर पहुंच जाती है तो आई वाज आल्सो ग्लैड आउ लाइक शुक्र खुदा का फिर उसकी फिर वो पूरा प्रोसेस जो था वो भी इंटरेस्टिंग था आलियान से उसकी मुलाकात आलियान और अम्राह का आपस में मिलना उन दोनों का एक दूसरे से मोहब्बत में मोहब्बत करना वो बड़ा क्यूट बहुत खूबसूरत प्रोसेस है बहुत खूबसूरत जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात के अब देखें आलियान और अम्राह दोनों दो दुखी इंसान हैं इन दोनों के पास पास्ट में बहुत दुख है दुख जिसने उनकी ज़ात को अफ़ेक्ट किया हुआ है जो उनके दिलों में बैठा हुआ है अम्राह की अपनी स्ट्रगल है आलियान की अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसीलिए शायद वो दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब आप दुखी होते हैं ना तो शायद फिर आप ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जो इतना दुखी हो जिससे आप आप एक पजल की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं मुझे ये लगा इस किताब में जब मैंने जब मैंने आलियान और अमरा की कहानी को पढ़ा एक चीज़ जो थी मुझे पहले ट्वेंटी फाइव परसेंट में ही मेन चीज़ हो जाती है आलियान जो होता है वो अम्रह को प्रपोज करता है और अमरा मना कर देती है फिर वीरा अमरा से बात करती है और अमरा की बात काल जो होता है वो स्पीकर फोन पर डाल देता है जिससे स्पीकर पर डाल देता है जिससे आलियान सुन लेता है और सबको पता चल जाता है वहाँ से लेके एंड तक एंड के लास्ट टेन तक सिर्फ दुख है सिर्फ दुख है सिर्फ दुख की दास्तान है इन डिफरेंट वेरिएशन तो वो थोड़ा सा मेरे आ, सबर का इम्तहान इं, हुई मुझे लग रहा था ज़्यादा सॉलिड हम स्टोरी को शायद मतलब मुझे इतना दुख नहीं देखना था लेकिन ये रोमांटिक कहानी है हर कहानी का अपना होता है मैं सिर्फ एक डिस्कस कर रही करी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे मुझे अम्राह की स्ट्रगल आई रियली लव डिट कि अम्रहा कैसे थी और क्या बन गई उसने कितनी मेहनत की उसने अपना कितना चेंज किया उसने गिव अप नहीं किया um, अच्छा दूसरा मुझे जो थोड़ा सा कंसर्न था वो ये कि आलियान का कैरेक्टर इतना परफेक्ट बना दिया आलियान कुछ गलत ही नहीं करता हर बार गलती अमराहा की होती है आई डिड नॉट लाइक दैट सॉरी मतलब आलियान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है आलियान की कोई गलती क्यों नहीं थी आलियान से क्यों नहीं कुछ ले पा? हर बार अमराहा वॉज एट फॉल्ट um, ये चीज़ मुझे पौधा करी थी बहुत हद तक जो फ्रेंडशिप दिखाई है काल की वीरा की अमराहा की एंड uh, um, आलियान की वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी वीरा एक पॉजिटिव कैरेक्टर है तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जब दिखाया कि वीरा आल्सो स्टार्ट्स लाइकिंग आलियान फिर उस दोनों की बात भी हो जाती है एंड देन आलियान छोड़ देता है वीरा को सो so, अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि मुझे लगा शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी दिखाने की बिकॉज वीरा और अम्रहा बहुत करीब थी एक दूसरे के अम्रहा आ, के लिए वीरा वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीरा ने अम्रहा को चलना सिखाया था वीरा ने अम्राह की बहुत दफ़ा हेल्प की थी तो जब आ, वीरा का कैरेक्टर आप उस जगह पे ले गए जहाँ पे अम्रहा ऑलमोस्ट वो इन पेन बाय सीइंग जब वो वीरा और आलियान को साथ देखती थी तो मुझे भी तकलीफ हो रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि बेस्ट फ्रेंड को इस पोजिशन में देखूँ और देखें वीरा को वाकई आलियान पसंद था और उसके दिल में दुख था तो बाय द एंड उसने कहा भी कि नहीं सब सही है और सब कुछ लेकिन और ये कि मैं तुम्हें तो दिल से दुआ देती हूँ लेकिन दिल में तो बात आ गई हाउ डू यू ओवरकम इट मुझे नहीं लगता कि मैं चाहूँगी मैं अपनी दोस्त को ऐसा दुख दूँ या मुझे अपनी दोस्त के साथ ऐसा दुख हो कि वो बंदा वो जिस बंदे को पसंद करती है मैं भी उसको पसंद कर लूँ किसी और लड़की को रख लेते या कोई दोस्ती या मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा देते मुझे लगता है तो मुझे एक चीज़ ये बस थी तो, तो जब आलियान और वीरा का जब ये दिखाया तो मुझे इस बात का है बात भूल गई कि मैं क्या कह रही थी या बट पॉजिटिव मुझे बात अच्छी ये लगी कि वीरा को जब आलियान और अमरा का पता चला तो कोई साजिश नहीं हुई कोई नेगेटिविटी नहीं हुई उसने सबको बहुत पॉजिटिवली लिया और उसने उन दोनों को सपोर्ट किया उनकी उनके लिए दुआ की तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी काल बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है आई एम सॉरी आई कुडन स्टैंड कॉल आई एम अ वेरी अप मेरी मैं शायद बहुत सीरियस इंसान हूँ जिंदगी में और मज़ा का मेरा स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है जो पूरा कॉलेज का सिनारीो दिखाया है मुझे समझ आती है कि कॉलेज में ऐसे होते हैं फ्रिटर्निटीज़ uh, कहते हैं या एक खास वर्ड होता है मुझे उसका वर्ड uh, नहीं आ रहा है जो जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स की जो ऐसी हरकतें करते हैं जहाँ वो रैगिंग uh, भी होती है और वो बहुत ही फजूल किस्म की हरकतें भी करते हैं शरारतें भी करते हैं और बहुत प्रेशर भी होता है तो काल का जो पूरा कैरेक्टर था जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था मुझे वो ना फ़नी लगा ना मुझे उसको पढ़ के मज़ा आया इनफैक्ट वो मेरे सबर का इम्तहान ले रहा था और कुछ हरकतें जैसे उसने पहली दफ़ा अमरा को अगवा कर लिया और उसको वो काइंड ऑफ किडनेप कर लिया उसको बंद कर दिया और उसको धमकी दे रहा है एंड वेंटल स्ट्रेस से जो गुजरी मुझे नहीं लगता कि इससे मेंटल स्ट्रेस को से किसी को गुजार के मैं कहूँगी कि मजाक है और वो जो दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रैंक करते हैं किसी के बाप को बोल दिया आपके बच्चे ने खुदकशी कर ली ये कि किस किस्म का प्रैंक है और अगर होता है तो मुझे अपनी किताबों में नहीं पढ़ना आई एम सॉरी आई विल नॉट लाफ एट इट शार्लेट की शादी थी आई थिंक उस पर जो उन्होंने पूरा किया कि शार्लेट का एक प्रिटेंड किया कि कोई लवर आ गया और वो पागल है और मतलब लोग जो थे एक्चुअली हरास हो गए मेहमान अगर मैं एक गेस्ट होती तो मैं तो वॉकआउट कर जाती हूँ हाँ जो सोच के गुस्सा चढ़ाए तो मुझे ये ये एंगल इस बुक का सॉरी मुझे नहीं अच्छा लगा बट आई एम श्योर इफ़ यू आ यंग पर्सन अराउंड ट्वेंटी और ट्वेंटी टू यू विल लव रीडिंग इट और आपको बहुत मज़ा आएगा मे बी कॉलेजेस में ऐसा ही होता हो और अब शायद बाहर ऐसा ज़्यादा होता हो मुझे मुझे नहीं इफॉर्मेशन मैंने मूवीज़ में देखा है बट उसमें हमेशा एक नेगेटिविटी उसके साथ अटैच होती है यहाँ तो कॉल को इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया मतलब काल ने एंड तक नहीं सीखा कुछ और आपने काल की पर्सनैलिटी को ही ऐसा बनाया है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन लाइक दिस जो मुझे करंट मारा हो जो मेरी चीज़ों को चुरा के ले जाए जो मुझे um, जो जो मेरी प्राइवेसी का भी um, रिस्पेक्ट नहीं कर सके उसने जो अमराहा और आलियान के साथ किया वो कितना गलत था जो भी बात हुई थी वो अमराहा ने जब जब आलिया ने उसको प्रपोज़ किया और अमराहा ने अपने ख़ानदान वालों के डर से uh, मना कर दिया तो वो बात अमराहा और आलियान के दरमिया थी और फिर अमराहा और वीरा के दरमिया थी किसी को हक़ हाँ नहीं पहुँचता काल को हक़ हाँ नहीं पहुँचता था कि वो स्पीकर पे लगा दे एंड वीरा को क्या कोई हक हाँ नहीं पहुंचता था कि वो अमराहा को इस पर जज करें मुझे वीरा पे बड़ी चिड़चिड़ रही थी जब वो मैंने कहा भाई गुलती तो तुम्हारी है तुमने अपनी प्राइवेट कॉन्वर्जेसन किसी को क्यों सुनने दी तुम तो दोस्त हो और उसको कार लें और तुम्हें तुम जानती नहीं हो काल किस किस्म का बनता है सो so, ये ये चीज़ मुझे नहीं इंटरेस्टिंग लगी मुझे मुझे नहीं मज़ा आया एंड तक मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से ना इरिटेशन होती थी जब मैं काल के बारे में पढ़ती थी बट आप सबका फेवरेट कैरेक्टर सो आई होप यू गैस इन्जॉयड इट कुछ चीज़ें जैसे अम्राह ने जो आलियान को मना किया आई रियली लाइक डिट कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक पकड़ा है कि हम लड़कियों को जो अमराहा कहती भी है कि हम एजुकेशन के लिए बाहर भेज देते हैं लेकिन हम उनके ऊपर बिलीव नहीं करते उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते आप कह रहे हैं कि यार ये चॉकलेट्स तुम्हें दे दिए बट तुम ये खा नहीं सकती हो बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया कोई पसंद आ गया बट आप ट्रस्ट नहीं कर रहे उसकी जजमेंट पे और किस तरीके से हम ख़ुद कौन है हमें नहीं पता लेकिन हम दूसरे को जज कर रहे हैं कि उसके माँ बाप कौन थे और उस इंसान के अखिलाफ को नहीं देख रहे चाहे वो बेस्ट इंसान हो तो आलियान के साथ भी यही हुआ तो वो जो वो जो पूरा एंगल लेकर आए सोसाइटी का मुझे ये बात इस नावल की अच्छी लगी छोटे छोटे मोमेंट्स इस नावल में बड़े अच्छे जो मुझे अच्छे लगते हैं कि साइकिल चलाना सिखाती है वीरा उसको बर्फ़ पे खेल रहे हैं वीरा उसको थोड़ा सा बहादुर बनाने की कोशिश करती है वो जॉब ढूंढने की कोशिश करती है हम रहा दायम उसको पहले दिन बैठा जो लेक्चर देता है और किस तरीके से वो पैसे जमा करती है फिर अपने बाप को पैसे भेजती है सो आई रियली लाइक सो मच रियल एंड मे बी जस्ट लाइक वन ऑफ फर्स्ट क्योंकि में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है अगर हम रोमांस को ले लें तो राइटर ने जो कि um, समीरा अहमद है उन्होंने एक बहुत uh, बहुत एक्स्ट्रीम काइंड ऑफ लव एक लाफानी लव या वो नी मेड फॉर इच अदर उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की है तो लैंग्वेज बहुत पोइटिक है बहुत ही um, खूबसूरत अंदाज़ में लिखने की कोशिश की गई जो मैं शायद बिकॉज मुझे अब आदत होगी है सिंपल चीज़ें पढ़ने की तो जब वो लिखा हुआ आ रहा था जैसे एक कमराहत थी मैं कहीं से पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ आपको टू गिव एन एग्ज़ाम्पल सच्चे हाँ बस मैं यहाँ हाँ बस यहीं यहीं समा यार कायम हुआ तसवर के अगले पड़ाव से जिसमें वो बेशुमार यार जा चुका था निकला और आईने के पीछे ख़ुद को मौजूद पाया मसविर का मीनार नूर सा शाहकार आईने के आस और उस पार आंखें बंद कर, कर लेने का मकाम में महवियत आंखें खोल देने की अजलत महबूबियत ये ये जो है ना ये आप देख रहे हैं कितनी आ, कितनी आ, मैं इसको क्या बोलूँ बहुत एडवांस्ड किस्म की शायरी और उर्दू और लैंग्वेज यूज़ की हुई है तो अगर आप इंजॉय करते हैं तो ज़रूर पढ़िए मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था मैं स्किम कर रही थी आई कुड नॉट इट और मुझे थोड़ा सा फोर्स लग रहा था बहुत ज़्यादा पोइटिक हो गया था एक हद तक को तो अच्छा लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने दोनों की जो मोहब्बत है उसको इसी तरह करानी क्रिएट करने को क्रिएट की है कि आलियान अम्राह के, के बगैर नहीं रह सकता अम्रहा आलियान के बगैर नहीं रह सकती जब डॉम में आग लग जाती है आलियान और काल के तो को कोई फ़ोन करके नहीं बताता लेकिन उससे अलहम हो जाता है उसके अंदर फीलिंग आती है ये कनेक्शन होता है दोनों का वो जब सारे लेटर्स लिखती है उसके लिए ढेर सारे वो मुझे बड़ा क्यूट पॉइंट लगा वो मैसेजेस जो उन्होंने एक दूसरे के लिए लिखे हुए थे वो बहुत क्यूट पॉइंट लगा जब वो चाइना टाउन परेड पे जाते हैं और उसको वो रेड रिबन मिलता है वो एक रिबन पे अपना और एक रिबन पे आलियान का नाम लिखवाती है वो बड़े क्यूट मोमेंट्स थे और आलियान उसको परेड में प्रपोज करता है और कहता है अगले साल हम यहीं शादी करेंगे सो so ये इस तरह के क्यूट मोमेंट्स बहुत ही है सारे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और अमरहा जब बेख्तियार बोली जाती है जब आलियान उससे नाराज़ होता है बोल रही होती है बोल रही होती है मुझे वो मोमेंट्स बड़े अच्छे लगते थे कि दैट्स वट समी वुड डू जब आप शर्मिंदा हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या करें और आप बस कोशिश किए जा रहे हैं उस इंसान को जो आपके दिल के करीब है उसको मनाने के लिए अगर अमराह और आलियान को लें उनके कैरेक्टर्स को देखें आलियान का दुख था डेफिनेटली उसका एक बैकग्राउंड भी था अम्रहा के सच ने उसको तोड़ दिया वो ऑलरेडी उसके बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे और वो सारे कॉम्प्लेक्सेस बाहर आ गए और वो एक दुख की हालत में चला गया उससे उसको निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन मुझे आलियान से ज़्यादा अम्राह के लिए फ़ील होता था क्योंकि मुझे लगा कि अमरहा ने वो जानबूझ के नहीं किया था उसे खुद एहसास नहीं हुआ उसने क्या किया वो उसने उसने कोशिश की कि वो आलियान को हर्ट नहीं करे और इस कोशिश में वो नाकाम हो गई और एंड थैंक्स टू वीरा एंड कॉल एक्चुअली वो कामयाब हो गई थी बट थैंक्स टू देम वो नाकाम हो गई और उसने हर्ट कर दिया और आप सोचिए एक इंसान की बेबसी जिसने ख़ुद इतनी महरूमी की ज़िंदगी गुजारी है कि वो शख्स जिसको आप हर्ट नहीं करना चाहते उस वो आपसे हर्ट हो जाए और आप कुछ नहीं कर सकते उसको उसको मनाने के लिए उसके ऊपर मरहम रखने के लिए और वो कुछ भी करती कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था तो मुझे मुझे अमराहा के लिए बहुत ज़्यादा फील होता था और उसकी फ्रस्ट्रेशन की एक तरफ दादा हैं इज़्ज़ है फैमिली की एक तरफ आलियान है और वो आलियान को जाके नहीं बता सकती नहीं मना सकती सो आई आई रियली फील्ड फॉर हर अच्छा बहुत ज़्यादा डिटेल थी नावल में वो पूरा एक आई थिंक तीन पेजेज़ हैं जिसमें सिर्फ ये कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के क्या हाल होते हैं आई कोडेंट कनेक्ट विद दट अभी तक मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ इसका मुझसे क्या ताल्लुक है सो आई गेस अगर आप क्यूरियस है अगर यंग है और आपको बाहर के माहौल के बारे में जानने का का, का तजस है तो शायद ये नावल आपको बताए बहुत सी चीज़ें और आपको मज़ा आए और सो so, फ्रेंडशिप की के बारे में अगर आपको पढ़ना है फ्रेंडशिप की कहानी पढ़नी है लव स्टोरी में तो वो अच्छा है साई का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इस नावल में ये ये स्ट्रॉँग चीज़ें ये मजा आता है आपको um, अगर मुझे लगता है ये नावल ना मूवी बनती तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होती क्योंकि वाकत बहुत हैं कि ये रेस लगा ली वहाँ चले गए फिर वीरा ने प्रपोज कर दिया फिर उन्होंने रात को कोई प्रैंक की तो अगर हम इसको पढ़ने में कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं और देखने में वो चीज़ आसान लगती है तो ये आई डोंट फील इफ इट्स टर्न इनटू इनटू अ अ ड्रामा और अ मूवी ये बहुत बड़ा हिट होगा ये नावल नाउ कम टू द मेन पॉइंट आई लाइक दैट स्टोरी सिंपल है नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड कोई साजिश कोई ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में पहाड़ हो गया एक बहुत सिंपल सी बात है जिसपे एक कॉम्प्लेक्स है इंसान का एक महरूमी है जिसके ऊपर किसी ने पाँव रख दिया है वो बिलबिला के वो खड़ा हुआ है उसको दर्द हो रही है अब वो कुछ नहीं सुन रहा और uh, किस तरीके से उनका पूरा प्रोसेस है सफ़र है दोनों लोगों ने गुजारा मुझे ये अच्छा लगा दोनों कैरेक्टर्स की एक आर्क है दोनों में डेवलपमेंट होती है वो चेंज होते हैं और ग्रो करते हैं एंड देन दे रियलाइज़ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है और फिर एक वाक्य होता है जब वो ब्राज़ील और इंग्लैंड का मैच देखने जाते हैं और वहाँ पर जो वाक्य होता है जब उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे एक दूसरे की जान चली जाएगी उनकी उनको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का रियलाइज की रियलाइजेशन होती है और वो माफ़ कर देता है आलियान उसको शायद उससे पहले ही माफ़ कर चुका था बट वो पॉइंट था जब उसने उसको हिट किया कि इसके बगैर तो मैं नहीं रह सकता तो उसके बदौलत वो दोनों करीब आ जाते हैं और अमराहा को भी एहसास हो जाता है कि उसको स्टैंड लेना है अपनी फैमिली के लिए तो वो पूरा सीन बहुत अच्छा था बहुत खूबसूरत था मज़ा आता है पढ़ के उसके बाद बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स हैं जब वो पाकिस्तान जाते हैं आई रियली लव दैट सीन जब वो अमरा हाउस को बोलती हैं लाहौर में बर्फबारी होती है कहता है कब कितनी रो हर वक्त होती रहती है तुम्हें क्या पता वो पूरा सीन और वो गुस्सा हो जाती है जब आलियान लाहौर के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात बोलता है कि सब कुछ मैनचेस्टर में थोड़ी है लाहौर के पास ही बहुत कुछ है सो आई रियली लाइक दो सीन्स देर सो ओवरऑल बुक अच्छी इंटरेस्टिंग है एज आई सेड वन टाइम रीड के लिए डेफिनेटली आप उठा सकते हैं आई एम गोइंग टू गो थ्रू माय नोट्स के मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ मुझे सिर्फ इस बात से ये था कि थ्री क्वार्टर्स ऑफ द बुक इज़ जस्ट अबाउट दुख एंड सैडनेस विच आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू रीड दैट मच देन मामा मेहर साधना साई बड़े क्रिएटिव कैरेक्टर्स हैं आई गिव क्रेडिट टू समीर अहमद ये कैरेक्टर्स बड़े अच्छे और बड़े अपलिफ्टिंग आई एक्चुअली गॉट इम्प्रेस बाई मामा महर एंड आई लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट मेरा भी दिल चाहता है मैं लोगों के लिए कम्फर्ट बनूँ फॉल और अमराहा का जो uh, टाकरा होता है वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि जब आप बाहर रहते हैं तो किस तरीके से आपके मजहब को जज किया जाता है और आपको कैसे परफॉर्म करना है आपको कैसे एक्ट करना है आप अपने मजहब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे दैट इज़ ऑल आई थिंक ये एक रिव्यू uh, था डिटेल गपशप भी आप लोगों के साथ हो गई अगर कोई चीज़ रह गई है तो आई एम सॉरी आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर बिकॉज बहुत सी चीज़ें थी बहुत डिटेल्स थी आई था डिटेल्स बहुत ज़्यादा मई इस नावल में मैं थक गई थी एंड में भी वो पूरा बादशाही मॉज जाने का और यू you नो know, वापस आके भी अच्छा निका के बाद भी उनकी स्टोरी दिखाई है तो मुझे ये अच्छा लगा था कि वो फ़ौर ख़त्म नहीं हो गया था उनकी क्या क्या रिलेशनशिप कैसे बढ़ती है और दोनों की आई लाइक द आइडिया जो का uh, जो आलियान अमरा वो कहता है तुम छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढूंगा मैं छुपूंगा तुम ढूंढो और गिर जाती है वो कहती है मैं सौ बार गिरूंगी तुम सौ बार वापस आओगे सो देआर मोमेंट्स विच रियली मेक विच मेक अ प्लेस इन योर हार्ट एंड सम मोमेंट्स आई फेल के कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड फोर्स लग रहे थे रोमांस के पॉइंट से सो so, अगर आपको एक मोहब्बत की कहानी पढ़नी है दो लोगों की यंग कहानी पढ़नी है विद लॉट्स ऑफ लाफ्टर इन टर्म्स ऑफ प्रैंक्स और uh, uh, कुछ um, लिखाई में भी आपको चाहिए कि उर्दू अच्छी वाली हो या कुछ पोइट्रिक तरीके से लिखा हो तो ये डेफ़िनेटली बुक आपके लिए इसे पढ़िए और इन्जॉय कीजिए डू यू गाइज एग्री विद माई रिव्यू कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड माई पॉलिजीज़ अगर आप लोग मेरे रिव्यू से एग्री नहीं कर पाए बस रिव्यू का यही होता है हर किसी को किताब डिफरेंट तरीके से टच करती है कनेक्ट करती है मेजर डिफरेंट तरीके से की तो बट हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था पढ़ने का यार तो कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़